डीके जी रियल पॉइंट में आप सभी को एक बार फिर से हृदय अभिनंदन है। और आज का जो वीडियो बनाया गया है ओरल के लिए बनाया गया है, और ये जो ओरल होंगे ना बेसिक लेवल का जीके होगा, जिसमें बच्चे से प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चे इसका उत्तर देंगे, ठीक है ना। एक एक कर कर बच्चे को बुलाया जाएगा, गाँव के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो पहला बच्चे को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, ये लाल टी शर्ट, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। आयुष कम, आयुष तुमसे कुछ जीके पूछा जाएगा, बता दोगे ना? यस सर। भारत के कुछ प्रमुख, ठीक है ना, भारत के प्रमुख जो भोजन होते हैं ना, कहाँ का कौन सा स्टेट का कौन सा भोजन फेमस है उसको बताना है, ठीक है ना, बता दोगे ना? यस सर। तो तुमको सबसे पहले बताना है ढोकला कौन सा स्टेट का भोजन है? गुजरात। गुजरात, अच्छा बताओ बारा पाव कौन सा स्टेट का है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और मक्की, मक्की की रोटी अगर साग पूछा जाएगा तो कहाँ का होगा फेमस, बताओ? पंजाब। अच्छा बिरयानी अगर पूछ दे तो बताओ कहाँ का बताओगे? केरला। केरला, ठीक है ना। अच्छा बताओ रसगुल्ला अगर पूछ दे, रसगुल्ला कहाँ का है फेमस? तो वेस्ट बंगाल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जाइए बैठिए। नेक्स्ट स्टूडेंट सुमित जो होगा लड़का, आओ सुमित, तुमसे भी बेसिक लेवल का जीके होगा, ठीक है ना, बताना। बाबू शांति बना कर रखो, हल्ला मत करो। पहला है गेट अवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मुंबई। मुंबई, मुंबई कभी गए हो? No. नहीं गए हो, अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ पिंक सिटी या गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर। जयपुर को, बहुत अच्छा। और बताओ तुमको सिटी ऑफ प्लेस जो होता है, सिटी ऑफ प्लेस, और सिटी ऑफ प्लेस किसे कहा जाता है? कोलकाता। कोलकाता, बहुत अच्छा। और बताओ सिटी ऑफ द गोल्डन टेम्पल किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ द गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। अमृतसर, ठीक है ना, अमृतसर। और लैंड ऑफ द फाइव रिवर्स यानी पांच नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जाइए, बहुत अच्छा लड़का इसने उत्तर दिया। अजीत कुमार आइए, और बच्चे सब आप शांति बनाकर रखिए, ठीक है ना, हल्ला मत करो, वीडियो चल रहा है आपका, वीडियो में आवाज नहीं आना चाहिए। आपका जो प्रश्न है बताना है तुमको, नारा जो बताना है, नारा स्लोगन इसको बोलते हैं, कौन सा, कौन से लीडर कौन सा नारा दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, बहुत अच्छा। अच्छा गिव मी ब्लड आई विल फ्रीडम यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका स्लोगन कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। हाँ सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है इसका स्लोगन यानी नारा कौन दिया था? नेहरू जी। नेहरू जी, बहुत अच्छा, नेहरू जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया था? हिटलर। हाँ हिटलर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लड़का बताया, हिटलर जो कि सुभाष। ये बताओ हिटलर कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। बहुत अच्छा, ठीक है, आप जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्या नाम है तुम्हारा? सोनम कुमारी। आइए सोनम कुमारी, तुमसे जीके जो पूछा जाएगा बताना है, ठीक है ना। सबसे बताना है भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? चंबल। है चंबल। चंबल, सबसे ऊंचा पुल लड़की बताई, चंबल, बहुत अच्छा। और जो पहला क्वेश्चन अच्छा था चंबल का, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन बताना है, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है ना, क्या है, बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन का डेल्टा। बहुत अच्छा, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, सुंदरबन का डेल्टा, ये लड़की भी बताई। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा। कौन दरवाजा? बुलंद दरवाजा। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर बताना है कौन सा है, बताओ? एलोरा। कौन? एलोरा, बहुत अच्छा, एलोरा। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? ऊंचा मीनार बताना है, बताइए। कुतुब मीनार। बहुत अच्छा, कुतुब मीनार बताइए लड़की। सबसे लंबी सड़क कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, बहुत अच्छा लड़की, बहुत अच्छा बताइए, जाइए। आइए आप, क्या नाम है, आइए, आपसे तब इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, बताना है, बताओ भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी कब कौन सन में बनी थी? 1911। बहुत अच्छा, कन्फर्म है ना? हाँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा ये बताओ राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से। बिहार से, अच्छा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताओ? जवाहरलाल नेहरू।
प्रथम महिला प्रधानमंत्री बता दिया पूछा जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। बहुत अच्छा बताइए। प्रथम अगर पूछा जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के नाम बताने के लिए तो बता दोगी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वेरी गुड, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे। और भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर बात पूछना होगा तो बताइए कौन होगा प्रथम महिला? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय फल पूछ लिया जाए तो आपके राष्ट्रीय पशु बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी मोर। और राष्ट्रीय भाषा हिंदी। बहुत अच्छा, राष्ट्रीय भाषा है। और राष्ट्रीय गान कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बहुत अच्छा, जाइए। फुनु कुमार आओ। तुमसे छोटा जी के पूछा जाएगा, बता दोगे ना? बोलो। यस। अच्छा बताओ बिहार में कितने जिले हैं? 38। बहुत अच्छा। भारत का अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। और बताओ बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बहुत अच्छा, जाओ। नेक्स्ट स्टूडेंट चांदनी आइए, आपसे बायोलॉजी प्रश्न रहेगा, उत्तर दे दोगी ना? यस सर। शरीर का सबसे, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा हड्डी का नाम क्या है? फीमर। फीमर, बहुत अच्छा। शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना है, सबसे छोटी हड्डी को का नाम क्या है? सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज। बहुत अच्छा, स्टेपीज। मांसपेशियों की संख्या कितनी है हमारे शरीर में तो बताओगी? कितना? 639। बहुत अच्छा। बच्चे शांति बनाइए, बताओ भोजन कहाँ पचता है? डाइजेस्ट होता है छोटी आंत में। बहुत अच्छा, ठीक है, आप जाइए, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो लड़की है सुप्रिया, वो इधर। तुमसे ज्योग्राफी से कुछ कर प्रश्न होंगे, आओ भी प्लेनेट से, ग्रह से रिलेटेड प्रश्न बता दोगी ना? यस बोलो। अच्छा बताओ ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 8। ग्रहों का खोज जो डिस्कवर करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम बताओ? केपलर। अच्छा बताओ दूरी के अनुसार ग्रहों का स्थिति बताओ, तो दूरी के अनुसार? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बहुत अच्छा, दूरी के अनुसार, ठीक है ना, दूरी के अनुसार ये लड़की बताई ग्रहों का संख्या। अब बताना है आकार के अनुसार ग्रहों की संख्या बताना है, आकार के अनुसार कि कौन माने ग्रह कितना बड़ा है, सबसे पहले बड़ा बड़ा ग्रह, बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह, उसके बाद आकार के अनुसार बताना है ग्रह के बाद संख्या, बता दो कि ना? यस सर। बोलो। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बहुत अच्छा, ठीक है ना, ठीक है, जाओ। नेक्स्ट स्टूडेंट खुशी कुमारी आओ इधर। तुमको जीके बोलना है विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। बहुत अच्छा। विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? मैकुलन। बहुत अच्छा। एरोप्लेन का आविष्कार कौन किया था? राइट ब्रदर। बहुत अच्छा राइट ब्रदर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। बहुत अच्छा। प्रोट्रान का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। बहुत अच्छा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914। बहुत अच्छा, जाइए खुशी कुमार। खुशी कुमार। नेक्स्ट गर्ल सुमन कुमार आओ इधर। बताओ जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, वो सन बताओ कब से कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। और ये बता सकती है वास्को डी गामा भारत के कौन से राज्य में आया था? केरल में। बहुत अच्छा। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, कौन सा देश का निवासी था? पुर्तगाल का, ठीक है। अच्छा बताओ पुर्तगाल जो आया था वास्को डी गामा, पुर्तगाल जो देश से, वो पुर्तगाल कौन सा महादेश में पड़ता है? यूरोप में। यूरोप में।
यूरोप में। और बताओ क्षेत्रफल के दृष्टि से यूरोप कितने नंबर पर स्थित है, कितने नंबर महादेश है? छठा नंबर। अच्छा बताओ पहला बड़ा महादेश कौन है? एशिया। और दूसरा बड़ा महादेश? अफ्रीका। और तीसरा बड़ा महादेश कौन है? उत्तरी अमेरिका। और चौथा बड़ा महादेश कौन है? दक्षिण अमेरिका। बहुत अच्छा ये लड़की बताई, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कि बच्चे से कुछ जीके के मोरल टेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, जाइए।